रोमन रेंज जीते, मैं सो गया और उठकर देखा तो WWE बिक गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WHG। आज दोस्तों वो चीज होगी जो कि किसी ने नहीं सोची थी। दरअसल आज रोमन रेंज ने कोडी रोड्स को हरा दिया है, जहां लोगों को लग रहा था कि स्टोरी का अंत WrestleMania 39 में होगा। स्टोरी अभी भी बरकरार है, कोडी रोड्स को बनना है WWE चैंपियन, लेकिन रोमन रेंज अभी भी अनडिस्प्यूटेड किंग है। दरअसल दोस्तों इसी बीच जो WWE है वो बिक गई है और WWE के बिकने की न्यूज दोस्तों ब्रोक हो गई है। किसने बाय किया है? तो UFC की एक पेरेंट कंपनी है एंडेवर, उसने दोस्तों WWE को बाय कर दिया है। सौदा कितने में हुआ ये तो दोस्तों चीज ब्रोक नहीं हुई है, लेकिन अब कुल मिलाकर UFC एंड WWE एक हो चुकी है। और इसका दोस्तों पूरा का पूरा जो पैसा बताया जा रहा है कि जो इनका जो एकजुट पैसा है वो है $21 बिलियन। तो एक ही कंपनी हो गई है दोस्तों UFC एंड WWE, और अब इसे कहना पड़ेगा कॉम्बैट स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। तो ये दोस्तों दो कंपनी का जुड़ाव हो चुका है, जिसका मतलब साफ है कि अब लेसनर कहीं नहीं जाने वाले हैं। दरअसल दोस्तों दिन को एक न्यूज ब्रोक हुई थी कि लेसनर का जो फ्यूचर है वो इन द डार्क हो सकता है। इन द डार्क मीन्स कि गाइज नहीं पता है लेसनर को स्वयं कि वो कहाँ जाने वाले हैं, और उनका कॉन्ट्रैक्ट 200 WWE के साथ खत्म हो रहा था, लेकिन अब 200 लेसनर चाहकर भी WWE को नहीं छोड़ सकते। अगर रिटायर होना हो वो अलग बात है, लेकिन जाएंगे कहाँ? अब UFC भी एक ही है और WWE भी एक ही है। यहाँ दोस्तों सौदा पक्का हो गया और ये दोस्तों कोई र्यूमर नहीं है। दरअसल भी वालों की आप स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। अब इसी बीच दोस्तों बात की जाए कि WrestleMania के बाद क्या हुआ है, तो ट्रिपल एच ने दोस्तों एक आप कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसका दोस्तों आप हल्का सा तस्वीर भी देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में। और उसके अंदर दोस्तों ट्रिपल एच ने ये चीज़ कही है कि वो काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, जिसके बाद वो रोने लगते हैं। वो चीज़ कहते हैं कि उनकी जर्नी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है ऐसे दोस्तों WWE ऑफिशियल, उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया। और जहां दोस्तों बात लगती है कि कोडी को आपने क्यों हरवाया, कोडी क्यों हार गए, तो ट्रिपल एच ने कहा देखो बात इतनी सी है कि कोडी कहता आया कि स्टोरी का अंत यहाँ होना है, लेकिन WWE की यही खासियत है कि WWE में स्टोरी कभी भी खत्म नहीं होती है और आज भी स्टोरी कंटिन्यू हुई है। तो कोडी के खिलाफ दोस्तों ट्रिपल एच के बोल रहे। वहीं दोस्तों बात की जाए और क्या हुआ है, तो रोमन रेंज से भी जो सवाल किया गया उनके नेक्स्ट ओपोनेंट के ऊपर, तो रोमन रेंज ने क्या चीज कही कि मुझे ओपोनेंट चाहिए यार, मुझे चाहिए कि कोई आकर मुझसे मेरी चैंपियनशिप ले जाए, लेकिन किसी में इतना मादा नहीं है, किसी में इतना मादा नहीं है, और ऐसे में अब मुझे उस ओपोनेंट की तलाश है जो कि वाकई में मुझे डीथ्रोन कर सके। अब आगे वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक्चुअल प्लान्स बताऊंगा और वो कांड भी बताऊंगा जो कि दोस्तों अब काफी ज्यादा शॉक कर रहा है। ट्राइबल चीफ की 3 चैंपियनशिप हो सकती है और वो भी दोस्तों वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है शेन मिकमैन से। तो भाई शेन मिकमैन को आपने देखा कि WrestleMania के अंदर उन्हें एक छोटा सा मैच था, वो भी वो ढंग से नहीं दे पाए, लिटरली एक जॉब दी थी ट्रिपल एच ने उन्हें, वहां भी दोस्तों उन्होंने अपनी क्वाड फुड़वा ली है। और ट्रिपल एच ने इसके ऊपर अपडेट दिया कि हाँ वाकई में शेन मिकमैन को इंजरी आई है, कोई ऐसा मजाक वजाक नहीं है, ना ही कोई स्टोरी लाइन वाली इंजरी है, उसे इंजरी आ गई जिसके बाद उसे ले जाया गया। और तस्वीरें आप देख सकते हैं। और शेनो मैक के बारे में बोलूं तो गाइस शेनो मैक के लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म रह सकता था, लेकिन वाकई में उन्होंने काफ़ी घटिया परफॉर्मेंस यहाँ पुट की है और इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। बात की जाए दोस्तों उस बंदे की जिसने परफॉर्मेंस तो बढ़िया दी ही दी, अपना खून भी निकाला और मैच भी हारे फिन बैलर के लिए, दोस्तों मुझे खासा बुरा लग रहा है। और गाइज अब जो मैं चीज़ बताऊंगा आपको वाकई में लग रहा है फिन बैलर के साथ बहुत गलत किया है। एज बार बार बोलते आ रहे हैं कि हमने पुश देना है, हमने नए टैलेंट को बढ़ावा देना है, और इस मैच में उन्होंने हराकर फिन को सही नहीं किया। तो तीसरे बंदे बन चुके हैं जिन्होंने डीमन किंग को हराया है, और यहाँ दोस्तों उन्होंने सिर्फ हराया ही नहीं, उन्हें एक बेहतरीन या फिर कह लीजिए बेहतरीन तो गलत वर्ड रहेगा, एक गहरा घाव दिया है, सर खोल दिया दोस्तों पूरे तरीके से। तस्वीरों में देख सकते हैं, हल्की सी तस्वीर लगाऊंगा, और यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा चीरा पड़ गया था, और एक कपड़ा जब दोस्तों उन्होंने लैडर फेंक किया ना वो सर पर जाकर लगी सीधे, और उसके बाद फिन बैलर को क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पेन हुआ, जिसके बाद दोस्तों वहाँ जो ऑफिशियल्स आते हैं, जो दोस्तों वहाँ डॉक्टर आता है ना, उसने नंबिंग एजेंट लगाया यानी कि सुन कर दिया सुए के साथ, और 2-3 टांग के भी दोस्तों वहीं के वहीं स्टेपलर से उसने लगा दिया, और उसके बाद मैच कंटिन्यू हुआ। तो फिन बैलर को सल्यूट है। बात कर लेते दोस्तों अब अपने ड्रू मैकइंटायर एंड शेमस की। तो बैंगर ब्रोस दोस्तों हार गए, गंथर ने उन दोनों की चटनी बना दी। अब दोनों को मैं दोस्तों एक साथ क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक साथ ही दिखाई दिए आफ्टर WrestleMania। आफ्टर WrestleMania इतने ज़्यादा थक गए थे कि स्टेप्स पर जाकर दोनों सो गए। देसी बॉयज दोस्तों यहाँ हम लोगों को लेटते हुए नजर आए, स्टेप्स के ऊपर शेमस लिखा है 1 word points। तो यहाँ दोस्तों साफ कर दिया है कि वाकई में बैंगर मेनिया ही थी,
और दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन हाँ गंथर ज्यादा चलाक निकले। अब कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज जो आज के हमारे जुड़ी है वो जुड़ी है रेसलमेनिया 39 के दो बड़े रिकॉर्ड से। पहला रिकॉर्ड, हमें दो ग्रैंड स्लैम एक ही रेसलमेनिया में एक ही शो में देखने को मिल गए। रिया रिपली एंड केविन ओवेंस बन चुके हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन। ऐसी कोई चैंपियनशिप नहीं जो केविन ओवेंस ने नहीं जीती, ऐसी कोई चैंपियनशिप नहीं जो रिया रिपली ने ना जीती हो। दोनों अपने अपने डिवीजन में दोस्तों ग्रैंड स्लैम चैंपियन हो चुके हैं, और गाइज इसलिए मैं दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगा, और दोनों दोस्तों काफी बढ़िया भी कर रहे हैं इस वक्त। जहां बात करूं रिया की, इस बार उन्होंने शार्लेट को हराकर दोस्तों स्मैकडाउन वुमन चैंपियनशिप अपने हाथ में कर लिया है। वहीं केविन ओवेंस बन चुके हैं अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी थिंग, ये रिकॉर्ड काफी बड़ा है। ट्रिपल एच ने कहा है कि रेसलमेनिया 39 सबसे सक्सेसफुल रेसलमेनिया रही है। तो विंस कभी भी ऐसा नहीं कह पाए, लेकिन हाँ ट्रिपल एच ने ओपनली आज कह दिया है कि इस हफ्ते का जो गेट था वो था $21 मिलियन का, यानी कि सिर्फ सिर्फ टिकट्स एंड बाकी की चीजों से उन्हें 21 मिलियन का फायदा हो गया है। और गाइज रही बात बाकी की थिंग्स की, तो वो तो हम सोच ही नहीं सकते। जैसे कि रिपोर्ट्स थी कि 20 मिलियन उन्हें एडवर्टीजमेंट की दी, और इस पर ही आपने देखा भी होगा एडवर्टीजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट थी। वो जो साइट्स में रहती है ना, आपने देखा होगा रॉ के नीचे जो बुलेट स्क्रीन्स रहती है उस पर भी एड चल रही थी। तो ये ट्रिपल एच ने काफी दिमाग लगा के चीज की और इससे खासा फायदा पहुंच गया है। कर लेते दोस्तों अब अपनी रॉ की। तो रॉ के अंदर दोस्तों कल बहुत कुछ खास होने वाला है, लेकिन रॉ आफ्टर मेनिया हमेशा से इस सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि उसके अंदर किन किन सुपरस्टार का रिटर्न एंड डेब्यू हो सकता है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको चार नाम बताने वाला हूँ। पहला ब्रॉन ब्रेकर का, जो कि दोस्तों एनएक्सटी वर्ल्ड चैंपियनशिप हार चुके हैं, तो ये दोस्तों कल आ सकते हैं मेन रोस्टर में। दूसरा बड़ा नाम है जे वाइट का, जिनके बारे में पता नहीं है कि इन्होंने डब्ल्यू वालों को साइन किया है या फिर नहीं, लेकिन हाँ जे वाइट रूमर्ड है। तीसरा नाम है दोस्तों हमारे रीडल का, जो कि काफी समय से दोस्तों गायब डब्ल्यूडब्ल्यूई से। चौथा नाम है एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन का। तो ये चारों दोस्तों रूमर्ड है कल की रॉ के लिए। आपको क्या लगता है कौन आने वाला है और किसको आप देखना चाहते हैं वापसी करते हुए? मैं तो दोस्तों चाहता हूं पर्सनली रैंडी ऑर्टन को। बात कर लेते दोस्तों आज की अपनी थर्ड लास्ट न्यूज की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है कोडी रोड से। तो गाइज कोडी रोड्स का भाई जो कि गोल्डस्ट है हमारे डस्टिन जी ने कहते हैं, उनका रिएक्शन आ चुका है, उनका दिल टूट गया है। उन्होंने ट्वीट किया, आप देख सकते हैं। उनको भी चाहिए था कि स्टोरी का अंत हो, लेकिन सवाल उठता ही है कि कोडी हारे क्यों और आगे क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कोडी की हार की। तो बताया जा रहा है कि इसके अंदर विंस मैकमैन का कोई भी हाथ नहीं। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि विंस पावर में आए हैं तो शायद से उन्होंने कुछ किया। तो बताया जा रहा है कि विंस मैकमैन ने इस मैच को बुक नहीं किया, डिसीजन 3 हफ्ते पहले ले लिया गया था, और यहाँ स्टोरी ऐसी ही जानी थी, वहाँ रोमन को ही जीतना था। लेकिन कोडी इसलिए हारे हैं ताकि रोमन रेंस 1000 दिन कंप्लीट कर पाए। अगर दोस्तों आधे में ऐसा हो जाता कि कोडी जीत जाते तो मज़ा नहीं आता, वो स्वाद नहीं आता। तो इसीलिए दोस्तों ट्राइबल चीफ ने यहाँ डिफेंड किया है। रही बात दोस्तों आगे प्लान्स की, तो गाइज आगे प्लान्स कुछ ऐसे जा रहे हैं कि आप मुझसे पूछे ही ना। तो सबसे पहले तो उस कांड की बात कर लेते हैं जो कि गाइज हाल फिलहाल में हुआ है। तो सेथ रॉलिंस की पत्नी यानी कि बैकी लिंच ने शॉट ले लिया ट्राइबल चीफ के ऊपर। ये चीज़ कही है, मेरा पति नेक्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन होने वाला है। प्लस दोस्तों सेथ रॉलिंस ने रोमन की विक्ट्री पर वहाँ इंजॉय भी किया है, और रिपोर्ट्स क्या सजेस्ट कर रही है कि एट बैकलैश जो मैच बन सकता है वह सेथ वर्सेस कोडी वर्सेस रोमन। यहाँ दोस्तों रीजन क्या मिलेगा सेथ को, सेथ कहेंगे कि देख तू हार चुका है रोमन से, हालांकि तूने मुझे हराया है लेकिन रोमन ने मुझे नहीं हराया। तो सेथ रॉलिंस एंड दोस्तों रोमन रेंस की राइवलरी डब्ल्यूई आपको कल बिल्ड करते हुए नजर आ सकती है मंडे नाइट रॉ में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन इसी बीच दोस्तों ट्राइबल चीफ जो है वो नेक्स्ट थिंग को एम कर सकते हैं, वो है UFC चैंपियन बनने को। तो सिंस दोस्तों मैंने आपको बताया कि अब जो कंपनी है वो बन चुकी है एक तरीके से कॉम्बैट स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट टाइपो, तो यहाँ दोस्तों जो मैकग्रेगर है उन्होंने पंगा ले लिया है ट्राइबल चीफ के साथ। तो गाइस बताया जा रहा है कि जो कॉनर मैकग्रेगर है उन्होंने लेट नाइट एक ट्वीट किया था, जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने एक कंधे पर डब्ल्यू चैंपियनशिप दूसरे पर UFC चैंपियनशिप उठाई हुई थी। पॉल हेमन ने दोस्तों इस पर ये चीज लिखी कि तुम कॉपी कैट हो, तुम एक तरीके के वॉना भी हो रोमन रेंस के, क्योंकि वो डबल चैंपियन है ना कि तुम। जिसके बाद कॉनर मैकग्रेगर ने ये चीज कही कि केयरफुल ग्रैंडपा, अगर मैं वहां आ गया तो तेरा जबड़ा 3 जगह से तोड़ डालूंगा। तो यहां दोस्तों पॉल हेमन के साथ पंगा ले लिया। और जब दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ये सवाल रोमन रेंस से पूछा गया कि आपको पता है कि UFC के साथ डब्ल्यू मर्ज होने वाली है? रोमन रेंस ने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता, मैकग्रेगर वाली चीज भी मुझे पॉल हेमन ने नहीं बताई। लेकिन हाँ यहाँ दोस्तों रोमन रेंस ने साफ कर दिया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो गाइज वो UFC चैंपियनशिप भी पीछे नहीं हटेंगे लेने में। तो ये चीज़ उन्होंने साफ कर दी है दोस्तों कि वो जो है वो UFC वाले WWE के अंदर भी मचाने वाले हैं। और आगे उन्होंने ये चीज़ भी कही है कि इसमें UFC का ही फायदा है जो उन्हें मैं मिल रहा हूँ। तो ट्राइबल चीफ की 3 चैंपियनशिप हो सकती है
अगर दोस्तों यूएफसी में एंट्री मार ले तो। लेकिन यूएफसी एक कॉम्बैट स्पोर्ट है जो कि डब्ल्यू से बिल्कुल डिफरेंट है, बट एट दिस मोमेंट दोस्तों डब्ल्यू के अंदर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि बताने योग्य नहीं, या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन सिंस मैंने आपको बता रखा है कि आगे डब्ल्यू वालों का प्लान क्या है, कौन अगला ओपोनेंट होने वाला है, यहाँ दोस्तों रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स बताया जा रहा है कि हमें मई द 6th को देखने को मिल सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकलैश में। और ऐसे में दोस्तों सवाल आपसे वही बनता है कि आपको क्या लगता है वहां कौन जीतेगा, कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी थी, वेल पसंद आई हो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।